हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज हम करने वाले हैं क्लिनिक। तो आज हम अपने घर की पूरी करेंगे डीप क्लिनिक। तो पूरा घर ए टू जेड क्लीन करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी साफ करेंगे। तो आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा और वीडियो को फुल इंजॉय करके देखना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक, और स्किप बिल्कुल मत करना। तो रोशनी निकाल रही है जाले, और किसके किसके साथ ऐसा होता है। अभी हमने 10 दिन पहले ही पूरे घर की डीप क्लीनिंग की है और सारे जाले निकाले हैं, पर दोबारा जाले निकल आए हैं। तो ये है हमारे घर की कंडीशन। सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा खिलारा पड़ा होता है, इतना ज़्यादा गंद पड़ा होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और पानी बह रहा है, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा वरना टंकी ख़त्म हो जाएगी और हमारा काम बीच में ही रुक जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट रूम, और ये देखो बारिश पड़ी है जिसके कारण ये हाल हो गया। और मैंने गेट अभी क्लीन किया है, पानी डाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Thank you.
हमने अच्छे से सफाई कर दी है। अब बस अब झाड़ू पोछा रह गया है, जो कि ये रोशनी झाड़ू मारेगी और मैं पोछा। जाले भी निकाल लिए और ये फैन भी क्लीन हो गया है, देखो कितना चमक रहा है। और टाइम भी देख लो, अभी हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया और आज लाइट ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है। लाइट नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपको अंधेरा देखने को मिल रहा होगा। इन्वर्टर भी जवाब दे गया क्योंकि कल रात से गई हुई है लाइट। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि सुबह गई है लाइट, पर सुबह नहीं गई है, मम्मा ने बताया कि रात से गई हुई है लाइट। तो आप हमारी डीप क्लिनिक देख लो कि कुछ इस तरह करते हैं हम अपने घर की डीप क्लिनिक। मिट्टी देखो, कुर्सी भी यहाँ पड़ी हुई है और ये कपड़े पड़े हुए, कपड़े भी धो नहीं सकते, इसको हम वॉशिंग मशीन में ही डाल देंगे। ये कमरे में मैंने सारा गंद वगैरह निकाल दिया क्योंकि क्या होता है कि कुछ भी सामान आता है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी लिफाफे वगैरह होते हैं हम गद्दे के नीचे रख देते हैं, तो ये सारे मैंने लिफाफे वगैरह निकाले हैं। खासकर ये चीज मम्मी बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैंने अच्छे से चादर वगैरह बिछा दी हुई है और बस थोड़ी देर में हमारा जो झाड़ू हो जाएगा कम्प्लीट, उसके बाद हम पोछा लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ना इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है, क्योंकि रात से लाइट ही नहीं आई और 2 बज गए हैं। तो इस तहखाने में लग रहा है झाड़ू और ये वीरान हवेली जैसे लग रहा होगा आपको। हम खुद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं लाइट से, रात से लाइट गई हुई है और 2 बजने को आ गए हैं दोपहर के, अभी तक लाइट नहीं आई और हमें अंधेरे में काम करना पड़ रहा है सारा। और जो हमारा इन्वर्टर था वो भी आपको मैंने बता ही दिया है, वो भी बंद हो चुका है, बिना पंखे के रह रहे हैं। बस ये है कि थोड़ी सी होप इसलिए है, आज ठंडा मौसम है इसलिए ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नहीं तो पंखे की वजह से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट रूम क्लीन हो गया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अभी रोशनी कर रही है, झाड़ू मार रही है, यहां से झाड़ू मारते हुए ये सारा सी, ये देखो कितना गंदा है, ये सारा साफ करके उसके बाद में फिर दिखाऊंगी आपको लास्ट में पूरा घर।
ये झाड़ू मार लेगी फिर मैं मारूंगी पोछा। मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि ये कभी ये रूम क्लीन करे और उस रूम में जाए, स्टोर रूम में। वो रहा हमारा स्टोर रूम। मैंने पहले रूम में तो पोछा मार दिया है, बस सिर्फ वहां रसोई में और इस रूम में रह गया। जब रोशनी यहां से झाड़ू मार लेगी फिर मैं यहां मारूंगी पोछा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप इस तरह का काउच लेने के बारे में सोच रहे हो, सोफा कम बेड, तो मत लेना यार, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये सोफा कम बेड मे बी 3500 या 4000 का है, पर टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, हम तो लेके पछता रहे हैं। वही आप 2-3 हजार एक्स्ट्रा लगा के अगर लकड़ का ले लोगे ना वो ठीक है, पर ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, इसको मत परचेज करना। ये सिर्फ उसके लिए कि आपने नीचे बिछाना और सो जाना, बाकी अगर आप सोचो कि ये सोफे का भी काम करे तो ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जिसकी फोम है वो बैठती जा रही है सोने की वजह से। पानी को थपया है, तू पानी का खर्चा करेगा, पानी है नहीं है, लेकिन खाली होगी सारी। नीचे आ रही है, ओ मैं यार तू चुप रहे यार, तू बड़ा पकड़ पकड़ करता है, मैं नवा देनी है उठा दे। तो क्लिनिक हो चुकी है, ये है हमारा फर्स्ट रूम, देखो अच्छे से क्लीन हो चुका है, हर चीज प्रॉपर अपनी जगह पर है, झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया। और ये हमारी किचन है, किचन भी सारी क्लीन है, सिंक में कोई भी बर्तन नहीं है, सी वॉश बेसिन भी हमारा क्लीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट का तो पता नहीं, सिर्फ बाथरूम रह रहा है, अभी हमने नहाना भी क्योंकि हमने झाड़ू पोछा करके, तो कपड़े मैं उसी टाइम धोऊंगी और मैंने थोड़ा सा बाथरूम भी क्लीन करना है। तो यहाँ तो पूरा डन हो चुका है, और ये हमारा सेकंड रूम, सी यहाँ पर सो सारा क्लीन हो चुका है और हो गई है हमारी क्लिनिक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।